फ्रेंड्स, आज हम लोग एस के सिंह के बुक से चैप्टर 2 के कुछ प्रॉब्लम को देख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट डिमांड किए थे प्रॉब्लम को, हम उसी को देख रहे हैं। चैप्टर 2 में क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 में ए बी सी तीन पार्टनर हैं और उसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिफरेंट रेशियो में करना है। फर्स्ट 20,000 जो प्रॉफिट है उसको कैपिटल रेशियो में करना है। सेकंड जो है एक पार्टिकुलर रेशियो दिया हुआ है 5:3:2 उसमें करना है, और उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वही हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप देखेंगे कि आपके बुक में नेट प्रॉफिट 1,56,000 दिया हुआ है, तो बाय नेट प्रॉफिट 1,56,000 हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टनर्स जो हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ले रहे हैं, तो कैपिटल का 5% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ए का शेयर 3,000, बी का शेयर 3,000 और सी का शेयर 4,000 होगा। आप ऐड करेंगे 3, 3, 4, 10, 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि सैलरी जो है सी एनुअली 6,000 ले रहा है, तो आप सैलरी टू सी करेंगे, 6,000 पे करेंगे सैलरी सी को। उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो प्रॉफिट ऑन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 1,56,000 से जब आप 16,000 को लेस करेंगे तो बैलेंस आएगा 1,40,000। अब यही मेन है कि किस तरीके से आप 1,40,000 को ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने एक टेबल बना दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में कह रहा है क्वेश्चन में कि फर्स्ट 20,000 प्रॉफिट जो है वो आपके कैपिटल रेशियो में होगा। तो कैपिटल दिया हुआ है बुक में 60,000, 60,000 और 80,000। आप कॉमन देख रहे हैं कि 40 इसमें भी है, 40 इसमें भी है, 40 इसमें भी है। अब 2 से कट करेंगे तो 3:3:4 रेशियो आया कैपिटल रेशियो। इसी कैपिटल रेशियो में आप 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:3:4 यानी 10 से जब हम डिवाइड करेंगे 20 में तो 2 होगा। अब 2:3:6, 2:3:6 और 2:4:8,000। तो कैपिटल के रेशियो में 20,000 को जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए गेन किया, ए के शेयर में आया 6,000, बी के शेयर में 6,000 और सी के शेयर में 8,000 आया। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पर। तो क्वेश्चन में कह रहा है नेक्स्ट 30,000 जो है वो 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, तो 5:3:8:10, 10 से डिवाइड करेंगे 30 में 3, तो 3:5:15, 3:3:9 और 3:2:6। उसके बाद कह रहा है कि रिमेनिंग जो प्रॉफिट है उसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो रिमेनिंग प्रॉफिट आया कितना, तो टोटल प्रॉफिट है हमारा 1,40,000। 1,40,000 से माइनस करेंगे 50,000, 50,000 कहाँ से आया, 20,000 और 30,000, टोटल कितना हुआ 50,000, यानी 50,000 हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब 1,40,000 से 50 को माइनस करेंगे तो 90,000 आएगा, और 90,000 को कह रहा है क्वेश्चन में कि रिमेनिंग को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। 90,000 को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 30,000, 30,000, 30,000, तीनों को ऐड कर लीजिए, आपके आंसर में मिलेगा 6:15:30, 6:9:30,
8, 6, 30 इस तरीके से दिया हुआ है आपके आंसर में। आप जब तीनों को ऐड करेंगे तो ए का 51,000, बी का आएगा 45,000 और सी का आएगा 44,000। इसको हमने यहाँ पर प्रॉफिट ऑन पीएल अकाउंट में ए 51,000, बी 45,000 और सी 44,000। अब तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1,40,000। तो मेन जो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए कहा गया था वो ये था, लेकिन इसका वर्किंग नोट ये है, और इस वर्किंग नोट के बिना अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो मार्किंग जो है बेहतर नहीं होगा, मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो विदाउट वर्किंग नोट आप क्वेश्चन कभी नहीं बनाएंगे, वर्किंग नोट का होना नेसेसरी है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब गारंटी से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। गारंटी से क्वेश्चन आया है 32A, एस के सिंह के चैप्टर 2 का 32 का ए नंबर क्वेश्चन आप देखिए। उसमें गारंटी में क्वेश्चन है कि 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 40,000 और सेकंड ईयर का प्रॉफिट है 60,000। रेशियो है 5:3:2, तो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। गारंटी से रिलेटेड हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप उसको देखेंगे बात समझ में आ जानी चाहिए। इसमें है कि जो गारंटी देता है वही उस लॉस की भरपाई करता है। जैसे अगर फर्म गारंटी देती है तो जितने ओल्ड पार्टनर हैं जिसको गारंटी दिया गया है उसे छोड़कर सभी उसका पेमेंट करेंगे, और यदि कोई सिंगल पर्सन गारंटी देता है तो वो सिंगल पर्सन ही उस लॉस की भरपाई करेगा, यानी डेफिसिट अमाउंट का पेमेंट करेगा। अब यहाँ पर 32 के ए नंबर केस में देखिए कि नेट प्रॉफिट 40,000 है और 5:3:2 में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। वाई ने गारंटी दिया है जेड को कि तुम्हारा प्रॉफिट कभी भी 10,000 से कम नहीं होगा। तो जब हम 40,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आता है 20,000, 12,000, 8,000। जेड को गारंटी कितने का मिला है? 10,000 का। किसने दिया है? वाई ने दिया है। तो जेड में 2,000 ऐड करेंगे या जो गारंटी दिया है उसमें से माइनस करेंगे। माइनस कर लेने के बाद आप देखेंगे कि एक्स का शेयर हो गया 20,000, वाई का शेयर हो गया 10,000, 12 से 2 माइनस किए तो 10,000, और जेड का शेयर हो गया 8,000 प्लस 2,000 10,000, टोटल हो गया 40,000। तो इस तरीके से फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकेंड ईयर में जब हम आएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2017 में आ गए। यहाँ पर नेट प्रॉफिट 60,000 है, और जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट को तो एक्स वाई जेड का प्रॉफिट जो है 30,000, 18,000, 12,000 आ रहा है। गारंटी कितना है जेड को? 10,000 का। 10,000 की गारंटी है जेड को, और जेड पा कितना रहा है? 12,000। ऐसे में कोई डेफिसिट अमाउंट नहीं हुआ, यानी जितने की गारंटी दिया जाए अगर उससे कम प्रॉफिट मिलता है पार्टनर को तो उस डेफिसिट अमाउंट को पे करना होता है। यदि एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फर्स्ट केस में आपने देखा कि वाई ने पेमेंट किया, लेकिन सेकंड केस में, सेकंड ईयर में जेड को ऑलरेडी 12,000 मिला हुआ है, इसलिए किसी प्रकार की यहाँ कोई टेंशन नहीं है। जेड को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद एक दो और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए हमने इसको देखा है। 33 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले ये जानिए कि क्वेश्चन का हेडिंग जो है कुछ कह रहा है और आंसर कुछ दिया हुआ है। हम दोनों को एडजस्ट करके आगे बढ़ते हैं। जहाँ से पास्ट एडजस्टमेंट शुरू हुआ है तो इसमें ही हमने पास्ट एडजस्टमेंट को भी दिखा दिया है। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि नेट प्रॉफिट 1,40,000 है, उसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है,
लेकिन उसमें जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट का केयर नहीं किया गया है। एडजस्टमेंट क्या है? सैलरी ए और बी को देना है क्वार्टरली 1500, तो वन ईयर में 4 क्वार्टर होता है, इंटू करेंगे 15 से तो 6000 होगा। 6000 ए और बी का सैलरी हो गया 12000। सी को कमीशन देना है 8000, वो भी मिस किया गया है, कमीशन दे देंगे। प्रॉफिट ऑन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 332 में, तो अकॉर्डिंग टू डीड 332 करना था, लेकिन बाय मिस्टेक अकाउंटेंट ने 221 कर दिया है और जितने भी एडजस्टमेंट है उसको नज़रअंदाज कर दिया है, यानी उसका ख्याल नहीं रखा है। तो सबसे पहले हम सैलरी लिखेंगे, कमीशन लिखेंगे और जो बच गया प्रॉफिट उसको एडजस्ट करेंगे। जब 332 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 45,000, 45,000 और 30,000 आएगा, लेकिन इसमें गारंटी यह है कि ए और सी मिलकर बी को गारंटी देते हैं कि तुम्हारा प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होगा। तो यहां तो 45,000 हुआ, तो हम प्लस करेंगे 5,000, तो ये 50,000 हुआ। अब प्रश्न आता है कि इस 5,000 का पेमेंट कैसे होगा। तो इस 5,000 का पेमेंट, जैसे यहां आप देखेंगे ए बी सी, ए का रेशियो है 3:3:2, गारंटी दिया गया है बी को, तो ए और सी के रेशियो में जो डेफिसिट अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डेफिसिट अमाउंट 5,000 है, 5,000 को 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3,000 ए का और सी का हो गया 2,000। तो 45 से माइनस करेंगे 3,000 तो 42,000, इसमें 45 में 5,000 को प्लस करेंगे तो यह हो गया 50,000 और 30,000 से 2,000 को माइनस करेंगे तो 28,000। यही आपका आंसर दिया हुआ है बुक में। कह रहा है कि आप नेसेसरी जर्नल एंट्री बनाइए, तो आपको जर्नल एंट्री बता देते हैं। आप लेजर से जर्नल बनाना सीखे हैं, जो डेबिट साइड में है वो जर्नल में क्रेडिट साइड में चला जाता है और हेडिंग जो होता है डेबिट साइड हो जाता है। यानी अगर सैलरी का जर्नल बनाना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू सैलरी टू ए एंड बी जर्नल होगा। उसी तरह से कमीशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू कमीशन सी अकाउंट, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू ए 42,000, बी 50,000, सी 28,000। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए हैं हम, चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग हुआ है तो उसका एडजस्टमेंट आप कैसे करेंगे। तो उसके एडजस्टमेंट के लिए हमने क्या किया, एक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाया। सैलरी ए और बी का है, क्रेडिट करना है। कमीशन 8,000 है सी का, क्रेडिट करना है। उसके बाद जो प्रॉफिट आया आफ्टर एडजस्टमेंट 42,000, 50,000 और 28,000। आफ्टर एडजस्टमेंट का सेंस क्या है कि बी को 50,000 देना था, उस 50,000 को एडजस्ट करने के बाद ए का जो प्रॉफिट आया वो 42,000, बी का 50,000 और सी का 28,000। तो टोटल क्रेडिट अमाउंट कितना हुआ, ऐड कर लीजिए 42 और 6 48,000, 50 और 6 56,000, 28 और 8 36,000, ये हुआ टोटल क्रेडिट। लेकिन प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 221 में, तो क्या हुआ होगा, ए का 56, बी का 56 और सी का 28। तो ये DR हुआ क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको अपोजिट करेंगे। तो जो ऑलरेडी क्रेडिट है अगर उसको अपोजिट करना है तो डेबिट करेंगे, तो ये डेबिट हुआ ये क्रेडिट हुआ, दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ डेबिट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 8,000, तो 8,000 ज़्यादा है तो 8,000 को डेबिट करेंगे, ये दोनों इक्वल है
36,000 और 28, तो कौन ज़्यादा है? क्रेडिट एक्सेस है यहाँ पर, तो 8,000 को क्रेडिट करेंगे। तो जब इतना बना लिए तो एक एडजस्टमेंट एंट्री कर लीजिए, ए डेबिट है तो ए अकाउंट डी आर टू सी अकाउंट, 8,000 8,000। आगे जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसमें इसी तरह के एडजस्टमेंट करने हैं, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, आप यहाँ तक आके जर्नल एंट्री बना लेंगे, आसानी से जर्नल एंट्री बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना मार्क कटेगा, ठीक है। लेकिन आगे के टॉपिक को देखते हुए हमने थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर दिया है, तो घबराना नहीं होगा, क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ के बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक पास्ट एडजस्टमेंट से क्वेश्चन देखते हैं, भूतलक्षी प्रभाव, भूतकालीन समायोजना से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 34 नंबर, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस कर गया है, जो अकाउंटेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया है और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। इससे भी रिलेटेड एक YouTube पे वीडियो है, उसको आप देखेंगे तो वो ज़्यादा डिटेल किया हुआ है, यहाँ तो हम सिर्फ क्वेश्चन बता दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप जानते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है और वो मिस किया हुआ है, यानी छूटा हुआ है, इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ क्रेडिट बैलेंस से दिखाएंगे। अब 6% कैलकुलेट करना है आपको, तो कैपिटल का 6% कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 1800, 2700 और 3600 आएगा, तीनों को आप ऐड करेंगे और टोटल में लिख देंगे, क्लियर। टोटल में लिखने के बाद आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के, इसलिए हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, किस रेशियो में? 4:3:3 में। तो पहले से डिस्ट्रीब्यूट है यानी क्रेडिट है, उसको सुधारना है तो उसको हम डेबिट करेंगे, तो इतना ही अमाउंट को हम डेबिट करेंगे और इसी को हम 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने पर हमने देखा कि ए का शेयर 3,240 आया, बी और सी का शेयर 2,430 आया। अब आप देखेंगे कि क्रेडिट ज़्यादा है या डेबिट ज़्यादा है, तो ए में हम देख रहे हैं कि डेबिट ज़्यादा है, तो इसमें से डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कीजिए, आएगा 1,440। यहाँ देख रहे हैं कि क्रेडिट ज़्यादा है तो माइनस करेंगे, डेबिट ज़्यादा हो तो डी आर लिखेंगे, क्रेडिट ज़्यादा हो तो सी आर लिखेंगे, ये सी आर है, क्रेडिट का सिंबल है, तो क्रेडिट एक्सेस है 270 से। यहाँ आते हैं तो क्रेडिट एक्सेस है 1,170 से। अब जो डेबिट है उसको डेबिट कीजिए, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर दीजिए, ए डेबिट है तो एस कैपिटल अकाउंट डी आर 1,440, टू बीज कैपिटल अकाउंट 270, टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,170। तो इस तरीके से हम दोनों को एडजस्ट करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे तो इतना होगा, इस तरीके से आप पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को बनाएंगे। आज हम लोग चैप्टर 2 के जितने भी क्वेश्चन डिमांड किए गए थे उसको हमने इस वीडियो में बताया। अगर कोई आपके क्वेश्चन हैं तो आप भी व्हाट्सएप करें, आपके भी क्वेश्चन को बनाया जाएगा। आज इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, आप फिर नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर हमारे साथ बने रहिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।